किसान छोटे खेत में आलू की कोड़ाई अधिकतर फावड़े की सहायता से करते हैं। बलुई दोमट जैसी हल्की मिट्टी में आलू उखाड़ने का काम थोड़ा आसान होता है, लेकिन भारी दोमट मिट्टी में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होने की वजह से आलू उखाड़ने में काफी मेहनत लगती है। सावधानी पूर्वक आलू न उखाड़ने के कारण तथा खुरपी जैसे यंत्र से काफी कंद कट जाते हैं और खराब हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में करीब 15% आलू उखाड़ने के समय कटकर खराब हो जाते हैं। खेत से आलू निकालने की परंपरागत तरीका यही है। हल्की एवं बलुई मिट्टी में आलू उखाड़ने के लिए हमें कांटेदार फावड़े का प्रयोग करना चाहिए। इससे मेहनत भी कम लगती है और कंदों के कट जाने की संभावना काफी कम हो जाती है। फावड़े की मदद से अगर आलू उखाड़ रहे हो तो उसे इस प्रकार चलाएं कि आलू नष्ट न हो। अगर कूड़ों की जुताई करके आलू को उखाड़ा जाए तो सबसे कम नुकसान होता है, इसलिए छोटे किसानों को चाहिए कि अगर हल बैल का प्रयोग संभव है तो आलू उखाड़ने के लिए इसका प्रयोग करें। जिस भी यंत्र का प्रयोग किया जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उखाड़ते समय कंदों पर खरोच न लगे, उनके छिलकों को कोई नुकसान न पहुंचे और कंद कटे बिल्कुल नहीं। उखाड़ने के बाद कंदों को मिट्टी में से सावधानीपूर्वक चुनकर निकालना चाहिए। ध्यान रखें कि कंद मिट्टी के अंदर भी दबे हुए हो सकते हैं, इसलिए मिट्टी को उलट पलट कर हर छोटे बड़े कंदों को निकाल लें। कंदों को मिट्टी से निकालने के बाद उन्हें छोटे छोटे ढेर में फैलाकर सूखने के लिए खेत में ही एक दो दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे कंदों में जो अतिरिक्त नमी होती है वो सूख जाती है, छिलके कड़े हो जाते हैं और उन पर लगी मिट्टी भी सूख कर छूट जाती है। जिन किसानों को कोड़ाई के बाद आलू को खेत में छोड़ने की समस्या हो तो वे कोड़ाई के बाद सावधानीपूर्वक आलू को लाकर अपने आंगन में एक दो दिन तक धूप में सुखा सकते हैं। आलू के कंदों को उखाड़ने के तुरंत बाद बोरे में नहीं भरना चाहिए। एक दो दिन धूप में सुखाने के बाद कंदों को हवादार और छायादार जगह पर एक बड़े ढेर, लगभग 4-5 फीट ऊंची ढेर के रूप में इकट्ठा करके कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए रखना चाहिए। इससे कंदों को हवा लगती है और उन पर लगे छोटे मोटे कट सूख कर भर जाते हैं, छिलके मोटे और कठोर हो जाते हैं और इससे आलू लंबे समय के भंडारण के लिए तैयार हो जाता है। आलू की कोड़ाई में सही तरीकों को अपनाकर हम कोड़ाई के दौरान होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।